अरे मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत आपके बीच में जा रही है जो मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ की ओर से। गीत को सुनते रहिए, शेयर भी करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। और मैं खास तौर से अपने बहुजन समाज 85 मूल निवासी समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आए मेरे मित्रों, जानो जागो मानो सत्य क्या है। अब राम से, ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, दुर्गा से, काली से बसर होने वाला नहीं है। बसर कैसे होगा? संविधान से, शिक्षा से। इसलिए लाइन मेरी कह रही है और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये हमें रामायण का पाठ पढ़ाने वाले, गोबर पुजवाने वाले, सुनो अब जमाना बदल गया, ये बहुजन समाज शिक्षित हो गया, अब कोई और रास्ता ढूंढ लो तुम लोग, क्यों कि राम के बारे में अब समाज समझ गया। तो लाइन कह रही है, आ ए मास्टर लाइन के पहले एक थे धूनी है, यह गर्मी का बेला है, आ कौनो नई नई दुल्हनिया ये जितेंद्र मास्टर बड़ी परेशानी है बेचारी। दुल्हा एक दिन दोपहर वही में आ गया, वही से कहती है, आहो गर्मी के दिनवा, आहो गर्मी के, आहो गर्मी के दिनवा, आहो गर्मी के, आहो गर्मी के, कपट पछुए ला लेकिन आदरी हमारे कमिश सुबेदार जी संकेत करते हैं और कहते हैं कि अध्यक्ष जी समाज को समझा दीजिए, क्योंकि समाज जब तक इस ढोंग और पाखंड से बाहर नहीं निकलेगा तब तक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में सदैव फेल होता रहेगा। क्या कहते हैं आदरणीय सुबेदार कवि जी? ओहो हो, आहो बदल लजा बनावा, आहो बदल लकी, आहो बदल लजा मनावा, आहो बदल लजा बनावा, आहो बदल लकी, राम नाम से अपना चली कमावा, आहो बदल लजा मनावा, राम नाम से अपना चली कमावा, राम नाम से तब काम चलता था कि जब बहुजन समाज अनपढ़ गंवार था, लेकिन अब ये समाज पढ़ लिया, विद्वान के साथ तर्कवान हो गया, अब ये समाज बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सम्यक संबुद्ध को भी पढ़ने लगा, अब समझ गया। तो लाइन कह रही है, पिछड़ा काली दिवर्ग अब जागी गई लय हो, अब जागी गई लय हो, घर घर में सोशल मीडिया कह चुका आई लय हो, घर घर में सोशल मीडिया कह चुका आई
पीठ कर दे सपनवा अहो बदल जा मनवा झूठ कर दे तहजीब ही झूठ की बुनियाद पर इन लोगों ने खड़ा कर दिया। टोटल वेद ग्रंथ झूठ की बुनियाद पर, देवी देवता झूठ की बुनियाद पर, और देवी देवताओं के नाम पर सब राजनीति भी झूठ की बुनियाद पर करने लगे। कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। आए किस नाम पर कि देश के गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाएगा। देश के बेरोजगारी को दूर करते हुए हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी और भारत से महंगाई खत्म होगी। 15 लाख देते देते नोटबंदी कर दिया, महंगाई खत्म करते करते ला करके 28% GST ठेल दिया, सब बुत हो गया। महंगाई को चढ़ा दिया आसमान पर, राशन फ्री करके अभी समय कह रहे हैं कि अरे भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देना ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ किसके बाप के घर से ला रहा है। 15 रुपए का राशन देकर के 1500 रुपया हर आदमी से वसूल रहा है, कहाँ है सोच? सोच को ऊंची करिए और समझने का प्रयास करिए। इसलिए ये लाइन हमारी कह रही है, पूछाया पाखंडी खुबिया जो दया में कई लय हो, लेकिन राम कितना काम है ना ये चीज के तो समझ गई ना। आई 4 दिन पहलवा निकल गए ना कन्याकुमारी, पहुंच गए ना तपस्या कर दोनों ना देखला सोशल मीडिया पर हमारी कनाई लल फोटो यही तेरे बैठ के कदो 400 पारम ओम 400 पारम ओम 400 पारम कहले से 400 पार होगा कि जनता वोट दे तब होगा। इनके पूरे पाखंड का पोल खुल गया। इसलिए कहना है मीडिया के बल पर 400 पार कायल चाह ना हो, भाषण में दिहाला हो, भाषण में दिहाला हो,
श्रीमान जी, हम तो उसी समय आपके दिमाग को समझ गए कि आप कितनी दिमागदार हो। एक बार भाषण में कह रहे थे माननीय मोदी जी कि जब गोरखनाथ संत कबीर और रैदास एक साथ हुआ करते थे तो सामयिक भक्ति चर्चा करते थे। अरे महोदय, कम से कम आप ये जान लिए होते कि कब संत रैदास हुए, कब संत कबीर हुए, कब संत रामानंद हुए और कब संत गोरखनाथ हुए। 1000 साल के अंतराल को आपने एक जगह बैठा दिया, तो कम से कम देश की जनता को अब उतना लड़बक मत समझिए जितना समझ रहे हैं। और मैं सीधी बात एक कह रहा हूं कि आप राजा हो, मैं आपका आदर कर रहा हूं, लेकिन प्रजा के मान सम्मान स्वाभिमान दुख तकलीफ को समझने का प्रयास करिए। ये लाइन कह रही है, जग गई न दौलत अपना चल माना मानिया, चल माना मानिया, आपो से आपन तू, आपो से आपन तू सू राम भगवान थे, मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर राम में सारी क्वालिटी थी तो श्रीमान जी 14,000 करोड़ आपने खर्च किया राम को लाने में, और राम को ला करके पूरे भारत को आपने धोखा में डाला, पूरे भारत में आपने पाखंड पैदा किया। जब कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, राम की अगर जन्मभूमि है तो वहां राम का मंदिर बनना चाहिए, कोर्ट ने वहां मस्जिद का भी आदेश किया था कि वहीं से कुछ दूर पर मस्जिद भी बना दीजिए। अगर आप देश के राजा हो, हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने आपको वोट किया, राजा न्यायिक आपको तब मानते कि आप राम को भी लाए, उस बगल में आपको अल्लाह को भी लाना चाहिए था। आपने मंदिर बनवाया, उसी बगल में आपको मस्जिद भी बनवाना चाहिए था। इसलिए आपके फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। अब जबरदस्ती खाली ईवीएम के बल पर राजनीति श्रीमान नहीं कर पाएंगे, इस चीज को पूर्ण रूप से आप जान लीजिए। इस बार तो बच गए किसी तरीके से, चड्ढी निमोटा बच गया आपका, लेकिन आइंदा देश के साथ पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ राजनीति करिए, या थक गए हो तो राजनीति छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए। लाइन मेरी कह रही है, काहे ना राम आके तू हके जीतवल हो, चल ल जा मनावा।
हमें छोड़ाई आई ठनवा अहो बदलल जा मनवा हमें छोड़ाई आई ठनवा शिक्षा सम्मान जहां रोजगार पई है। श्रीमान जी आप जानते हो कि व्यक्ति का व्यक्तित्व खड़ा शिक्षा से होगा। राम से, जगन्नाथ से, अमरनाथ से, सारनाथ से, बद्रीनाथ से कल्याण होने वाला नहीं है। अब ये समाज जग चुका है और जगे हुए समाज की शुद्ध और स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास करिए। आहो बदल जा मनावा, आहो बदल की, आहो बदल जा मनावा। अगर देवी देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश पर, अमरनाथ, जगन्नाथ, सारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ पर भरोसा है तो जनमानस में प्रचार करना बंद कर दो और जाओ कह दो अपने देवताओं से मंदिरों में कि हमें इलेक्शन में खड़े, हमें वोट दे करके पीएम और सीएम बना दो। तहजीब हो तो, अगर जनता पर भरोसा है तो इस पाखंड के नाम पर जनता के भविष्य को बर्बाद मत करो। अगर वो वोट नहीं दे सकते तो 14,000 करोड़ अयोध्या में खर्च कर दिए, 14,000 करोड़ भारत के गरीबों में खर्च करते, अयोध्या के लोगों में जिनका घर तोड़वा दिए उन पर खर्च कर दिए होते तो तुम्हें स्वयं भगवान राम लोग मानने लगते। इसलिए कह रहा हूं कि जो भारत की तहजीब है इसको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाइए। अब ये देश और देश का आवाम जग गया है। आखिरी लाइन है, अब के चुनाव समझा खाली बात झांकी हो, का चुनाव एक झांकी है। श्रीमान जी अगर बदलाव नहीं किए तो आने वाले समय में आपकी दुर्गत होना सुनिश्चित है। इसलिए आदरणीय हमारे कवि सुबेदार जी कहते हैं, आहो बदल जा मनावा, आहो बदल की, आहो बदल जा मनावा।
जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत।